आग अंदर होनी चाहिए अगर आग अंदर है तो बाहर अपने आप आ जाएगी और जब आप अपनी पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको वो मोटिवेशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है अंदर से पैशन आने वाली बात की अंदर से आग अंदर से एक खुशी एक मोटिवेशन

पैसा नहीं होता बिल्कुल जरूरत है मेरी तरफ से तो बिल्कुल जरूरत है क्योंकि इन दिनों में देख रहा हूं कि लोग आपको गाइड करने के लिए नहीं रहे अगर उससे किसी के जीवन में लेश मात्र भी फर्क आ रहा है ये काम होना है तो होना है इट एंड मोटिवेशन गोज आउट ऑफ द विंडो कॉलेज में मेरे एक टीचर बताते थे दोज हु हु डू डू दे दोज डोंट दे प्रीच जिसको हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेटर मान रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड भी है हमको मोटिवेट करने के लिए हुँ, हुँ। हाँ नहीं मैं ये मानता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जो प्रीच कर रहा है उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं है लेकिन क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म इतना इजीली अवेलेबल है किसी के पास भी तो कोई भी बैठ के कुछ भी बता रहा है बट द पॉइंट इज जो बातें आप किसी को बता रहे हैं अगर उससे किसी के जीवन में लेष मात्र भी फर्क आ रहा है बट वो मोटिवेशन सीख कर रहा है जो वो गाइडेंस सीख कर रहा है या कर रही है उसके लिए ये पहचान पाना कि क्या हम सही जगह से वो मोटिवेशन ले रहे हैं तो इसी पॉइंट पे देखते हैं एक और इंटरव्यू और फिर आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया लॉन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर

तो देखिए यही बात है कि मोटिवेशन जो है वो बड़ा ही एक सब्जेक्टिव मैटर है और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आप एज अ पर्सन कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ठीक है पर एक बात जो तय है वो ये है कि ये यूनिवर्सली डिबेटेबल एक फिनिना है कुछ लोग जो इंटरनली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं अपनी विल पावर से स्ट्रांग है जैसा मैंने पहले बताया वो मैनेज कर सकते हैं इंटरनली तो शायद उनको ये सारे एक्सटर्नल वैलिडेशन हो या एक्सटर्नल गाइडेंस हो उसकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन कुछ लोग हैं वहीं पर जो शायद आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं शायद आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं शायद आपके सिग्निफिकेंट अदर हो सकते हैं लेकिन उनको ऐसा ना हो तो अगेन इसके कोई सेट रूल्स नहीं होते हैं और मेरा ये मानना है कि इसके लिए आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा पहले अपने अंदर कि आप किस तरीके के इंसान हैं हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के सोर्सेस तो देख रहे हैं लेकिन हम भूले जा रहे हैं कि डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो डिटर्मिन करता है कि आप मोटिवेटेड हैं या डीमोटिवेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं आज जिम जा रहा हूं और मैंने भाई कल रात को ही एक बॉडी बिल्डर का कोई वीडियो देखा और देखा भाई साहब कैसे मसल्स डेवलप होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो किसी का देखा मैं चार्ज अप हो गया दो दिन के लिए लेकिन दो दिन के लिए तीसरे दिन क्या होगा चौथे दिन क्या होगा फिर मैं अगर वीडियो देखूंगा फिर वो आग जली फिर वो दो दिन में गया तो अगर आप डिसिप्लिन हैं रादर, ठीक है rather, और डिसिप्लिन आई वुड गो एज फार अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है एक्सटर्नली ठीक है और अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप हर तरह का तूफान हर तरह की लाइफ की अच्छी बुरी स्टेज कुछ भी हुई उसको आप पार कर सकते हैं इजीली अगर मैं जिम जा रहा हूं तो मैंने एक अलार्म सेट किया हुआ है सुबह छह बजे का तो मैं छह बजे उठूंगा उसके हिसाब से रात को अगर मुझे बजे बजे या दस बजे सोना है तो मैं सोऊंगा उसके हिसाब से अगर मुझे डिनर करना है आठ बजे या सात बजे या बजे तो वो मैं करूंगा तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक काम के लिए तो जब मैं इतना डिसिप्लिन हूँ तो सवाल ही नहीं है कि मेरी हेल्थ जो है वो खराब हो जाए क्योंकि एक काम से सिर्फ जिम जाने की वजह से मेरी नींद पूरी हो गई मेरा खाना मैं टाइम पे खा रहा हूँ है ना और खाने में भी मैं क्या खा रहा हूँ उसके लिए भी आई एम डिसिप्लिन बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं हो और वैसे हो तो आप ये देखिए कि सिर्फ डिसिप्लिन होने से या डिसिप्लिन होने से आप बहुत कुछ तो मोटिवेटेड वैसे ही फील करते हैं है ना आपको पता है भाई ये काम होना ही होना है डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल जीने के बाद कि मुझे ये काम करना ही करना है अब इसमें मैं क्यों करूं ये कैसे होगा आज मेरी एनर्जी कम हो रही है ज्यादा हो रही है कुछ नहीं ये काम होना है तो होना है इट एंड्स देयर मोटिवेशन आउट ऑफ़ द विंडो राइट राइट हाँ मतलब अगर इंटरनली आपके पास वो लेवल्स हैं मोटिवेशन के तो इट इज दैट यू वुड नॉट सीक इट फ्रॉम आउटसाइड तो बिल्कुल ठीक बात है तो चलो यार इसी बात पे एक और इंटरव्यू छोटा सा देखते हैं तो यूट्यूब की स्पेस में काफ़ी सारे स्पीकर हमने देखे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकरस की हमें ज़रूरत भी है और हाँ तो क्यों और ना तो क्यों आई थिंक द लॉर्ड एक्सटेंड जरूरत ओबली है बिकॉज वैन टॉक अबाउट द एज कैटेगरी ऑफ मे बी लाइक टॉक अबाउट यूर करियर पाथ एंड तो आई थिंक उस केस में डेफिनेटली जरूरत है बट आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया बिकॉज आई पर्सनली यूज टू वॉच वीडियो ऑफ सम मोटिवेशन स्पीकर फॉर दैट मैटर आपके हिसाब से क्या रेड फ्लैग्स हैं जो देखने चाहिए हमें वेन वी आर चूजिंग आ मोटिवेशन स्पीकर जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं आई थिंक एक बच्चे के लिए स्पेशली एक यंगस्टर के लिए जो मैंने एज के बताया मतलब एटीन टू ट्वेंटी थ्री कैन बी डिफिकल्टिशाइंड आउट रेड फ्लैग्स कि क्या है या नहीं बट आई थिंक सबसे कॉमन रेड फ्लैग या सबसे कॉमन uh, तरीका फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा है या नहीं डिस्कस अमंग पीपल के कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर सही है नहीं एंड मोटिवेशनल इज के इफ ही इज ही एक्चुअली द जॉब लाइक टू मोटिवेट एंड टू इंस्पायर यू सो मच ये एक पॉइंट इनका कि जो बच्चे होते हैं वो भोले होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं दे वॉन्ट टू लुक अप टू समबडी और वो किसको अपना एक तरह से आइडल मानते हैं किसको वो फॉलो करते हैं वो बहुत जरूरी होता है लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने बात की रेड फ्लैग्स की और रेड फ्लैग्स का यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है है ना जहां पर आप किसी को भी किसी की भी स्पीच सुने किसी का भी आप जो वो पिच दे रहा है आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर तो उसको हमें थोड़ा सा तो जज करना पड़ता है एटलीस्ट इनिशियली तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है या वो आपको ओवर सेल कर रहा है क्या उसका पर्पस ये है कि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर बने आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो या उसका पर्पस ये है कि आपकी पॉकेट में वहां जो रखा हुआ है वो यहां कैसे आए ये कि वो आपको ठीक है कोर्सेज बेच रहे होंगे लेकिन कोर्सेज की वैल्यू वर्सेस कॉस्ट क्या है ही, ही, ही। क्या वो अफोर्डेबल एक वैल्यू है या क्या आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इसको आगे भी बेचिए हाँ। हाँ, नहीं इसमें मैं मानता हूं कि सवाल ये भी उठता है कि वैल्यू को जज कैसे किया जाए भाई वैल्यू तो इंटेंजिबल है तो उसको जज कैसे किया जाए तो उसका सही तरीका यह है कि कोई भी इस तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको कोर्सेज के नाम पे जो हम पहले भी कह चुके हैं कई वीडियोस में और रिहाइट्रेट कर रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं है कोर्सेज बेचना लेकिन क्या उन कोर्सेज में बताई गई बातें बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है जो क्या आपको अदरवाइज किसी और यूट्यूब चैनल पे या बुक्स में या अदर किसी सोर्सेज से नहीं मिल सकती है तब तो यह कहा जा सकता है कि वाकई वैल्यूएबल है वो चीज या दूसरी सोर्सेज पे मिल भी रही है तो भी इससे ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे आपको मिल रही है तो प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है मैं मानता हूं

wanted motivation in life so I was looking for videos and everything but uh, it didn't really work out for me because uh, whatever they were saying that really uh, it didn't connect with me what I found motivation was uh, what my personal goal was what my responsibilities were so basically for in my opinion I don't think I need um, to seek out some motivational speakers the motivation comes from within basically your uh, uh, habits or your personal goals hai,

तो जो रेड फ्लैग सबसे बड़े रेड फ्लैग्स है दैट दे आर सेलिंग देम सेल्व टू मच मतलब उनके एक कोर्सेज लेना या उनके क्लासेस लेना और लाइक एंड दोज क्लासेज आर नॉट अफोर्डेबल एट ऑल सबसे मेन चीज़ है कि वो अफोर्डेबल नहीं होते लाइक सी फॉर एग्जाम्पल आर स्टूडेंट स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते दे लाइक दे आर वो जैसे दस दस रुपये बचा के जी रहे हैं स्पेशली दे आर लिविंग अलोन तो वो क्लासेज या कोर्सेज अफोर्डेबल नहीं है दे आर लाइक

जो कि बाय द वे बहुत ही एक अच्छी बुक है मैं मानता हूं तो कहीं ना कहीं ये भी वो सीख कर रही है उस बुक से विच आई थिंक इज वेरी गुड एंड दैट ओनली गोज ऑन टू प्रूव आर पॉइंट आपको मोटिवेशन तो चाहिए ही इवेंचुअली चाहे वो वीडियोस से ना हो के किसी और दूसरे सोर्स से हो बट मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला वो था ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इनकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली स्टूडेंट्स होती है मतलब एक बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन दैट दिस गाइस टारगेट स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता नॉर्मली और ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कैसे, है कैसे बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैंटीन में उनकी उधारियां चल रही होती हैं और पता नहीं क्या क्या तो वहां पर हजारों हजार रुपए के इस तरीके के अगर कोर्सेज कोई बेच रहा है तो पहली बात तो कोर्सेज है और बड़े बड़े प्राइस पॉइंट उनपे हैं वही एक रेड फ्लैग है लेकिन फिर अगेन वैल्यू भी अगर उनमें नहीं है तो दैट आई थिंक इज अ गुड जंक्चर फॉर यू टू नो कि ये फिर जेन्यन मामला नहीं तो वहां अगर आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं तो बाय ऑल मींस आप उसको लीजिए लेकिन एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी इंटेंट आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करना है और बदले में उसके वो या तो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पॉइंट चार्ज कर रहा है या कर रही है या बिल्कुल ही फ्री में आपको वो दे रहे हैं अभी एक फ्रीमियम मॉडल भी चलता है तो फ्रीमियम जो है वो होता है कि आपने फ्री में थोड़ी सी वैल्यू दे दी और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए उनके और एक्सपेंसिव प्लान को लेकर तो नॉर्मली ये जो टूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं इनको ट्राई करने के लिए आपको एक वो फ्री का एक लिमिटेड यूसेज देते हैं और वहां पर आप डिटर्मिन कीजिए तो वो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा पॉइंट uh, है फॉर यू टू लुक आउट अगर आप इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दूसरी बात है अगर आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिल रही है कहीं पर तो वो मैं मानता हूं कि एक और रेड फ्लैग हो सकता है बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी एक वो रेड फ्लैग हो सकता है नैबल जहां पर आपको नहीं पता कि वो बॉक्स जब आप खोलने वाले हैं सो टू स्पीक मेटाफोरिकली स्पीकिंग तो उसमें क्या निकलने वाला है तो अगर उसकी वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी हुई सो बेसिकली वर इन लक लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी ही जेनरिक है जो आपको अदरवाइज भी मिल जाती तो आपको ये ना लगे कि आप अपना नुकसान कर बैठे चाहे वो पांच रुपए का ही प्रोडक्ट था चाहे वो एक हजार का ही प्रोडक्ट था उसके लिए एक मनी बैक गारंटी एक सेटिस्फेक्शन की गारंटी जरूर देनी चाहिए अगर वो एक जेन्युन प्रोवाइडर है तो तो ये मैं मानता हूं कि बड़ा अच्छा एक आइडेंटिफायर है बिल्कुल और उसके अलावा देखो कोई भी चीज़ अभिषेक इस दुनिया में फ्री में नहीं होती ठीक है एंड जैसा कि तुमने ही कहा था एक बार कि इट इज़ फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट तो आज के हमारे इस डिस्कशन का टेक अवे ये रहा कि हमें जरूरत है मोटिवेशनल स्पीकर की हम जिंदगी में कभी बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं कभी उन मोटिवेशन का लेवल जो है वो थोड़ा लो हो जाता है तो जिंदगी में हाई और लो को मैनेज करने के लिए इस गैप को थोड़ा सा फिल करने के लिए हमें एक्सटर्नली ढूंढना पड़ता है कोई एक ऐसा मोटिवेटर चाहे वो हमारे घर का कोई मेम्बर हो चाहे वो हमें बुक से मिले चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो जो कहीं आकर हमें एक उम्मीद दिखाए हमें थोड़ा सा भरोसा दिलाए कि बॉस तुम सही लाइन पे चल रहे हो और आगे चल के कहीं ना कहीं तुम मंजिल पा ही लोगे दूसरा जो तीर है जो आपके तरकश में होना चाहिए वो होता है डिसिप्लिन अगर आप डिसिप्लिन हैं और जो सोचते हैं वो कर बैठते हैं बिना ये सोचे हुए कि आपके अंदर वो मोटिवेशन है या नहीं है तो आप किले फतेह कर जाएंगे आप बस यही सोचिए कि हाँ एक काम होना है तो होना है अलार्म लगा लिया छह बजे का तो सुबह उठना ही है सुबह एक टाइम पे खाना खाना है तो खाना ही है और जिंदगी में कोई भी काम करना है तो करना ही है उसके लिए आप ज्यादा वजह मत तलाशिए और इन सब चीज़ों के अलावा हम पूरी तरह रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों के इमोशंस की जो किसी ना किसी तरीके के डिप्रेशन से एंजाइटी से या और दूसरे तरीके के सिंड्रोम से गुजर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हेल्प के सेंटर्स खुले हुए हैं जहां पर आप जाकर थेरेपीज uh, ले सकते हैं गाइडेंस ले सकते हैं एंड देर आर प्रोफेशनल टूल्स अवेलेबल फॉर यू टू गेट हेल्प वहां पर मुझे लगता है ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ केसेस में शायद फिर भी मदद कर सकें लेकिन क्योंकि आपकी सफरिंग बहुत ज्यादा है वहां आपको एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर चाहिए ही होती है तो हम एनकरेज करते हैं उन लोगों को जिनको नॉर्मल मोटिवेशनल टूल्स से उनकी हेल्प नहीं हो रही है प्लीज आप जाइए और थेरेपीज अवेलेबल हैं लोगों से बात करिए उसके अलावा प्रोफेशनली अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो बहुत सारे करियर कोचेज अवेलेबल हैं बहुत सारे लाइफ कोचेज अवेलेबल हैं लेकिन अल्टीमेटली उनको परखने का तरीका सेम रहने वाला है आपको रेड फ्लैग्स फिर भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको अपनी आंखें कान सब खुले रखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा दिमाग खासतौर पर आपको अपना ओपन रखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन जो आपको हेल्प करने का दावा कर रहा है वो आपको हेल्प कर भी पा रहा है या नहीं और इस डिसीजन को आप जल्दी ले सकते हैं क्योंकि पहली बार जब आप उनसे किसी भी तरीके की हेल्प लेते हैं दूसरी बार जब आप उनसे वो हेल्प लेते हैं अगर पहले दो तीन आइट्रेशन में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता दैट इज योर टिप ऑफ वहीं पर आप समझ लीजिए कि ये पर्सन शायद आपके लिए राइट right नहीं है और वहां से आप चेंज करके उसको दूसरे प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं पर अल्टीमेटली आपको ओवर सेलिंग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा

थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए कुछ फिल्टर्स लगाइए और अल्टीमेटली अपना टू अनलॉक कीजिए वी विल सी इन द नेक्स्ट वन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस